नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से दशहरे पर यू वर्ड से रावण का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको करना क्या होगा, पहले आप यहाँ पे एक प्लस सिंबल बना लीजिएगा पेंसिल की हेल्प से, और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो दोस्तों उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिएगा, आपको वाई लेटर कहाँ लिखना है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप एक इस तरह वाई लेटर लिखेंगे, यहाँ पे करिएगा थोड़ा सा, फिर एक लाइन आप आगे की तरफ यहाँ पे इस तरह बढ़ा देंगे, फिर नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा वाई लेटर। वाई लेटर लिखने के बाद आपको ओ यहाँ पर प्लस के जस्ट बीच में एक ओ लेटर यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों एक ओ लेटर आप यहाँ पर भी ऐसे लिख देंगे। इस तरह आपको लिखना होगा। देखिए यू कहाँ लिखना है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पेंसिल की हेल्प से पहले तो आप यहाँ पर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक छोटी सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा। अब आप बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पर एक बड़ा सा यू लेटर लिख देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। अब देखिएगा, अब आप इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक नीचे की तरफ यहाँ पे मिलाइएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। रिपीट करने के बाद यहाँ से जहाँ से हमने प्लस सिंबल बनाया है वहाँ से आप ऐसे अंदर की तरफ ले जाइएगा, इधर से भी आप ऐसे अंदर की तरफ यहाँ पर मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर इस रावण का ईयर बनाना होगा। यहाँ पर ऐसे करिए, फिर इसके बाद हल्का सा बाहर की तरफ करिएगा, फिर अंदर की तरफ यहाँ पर आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों अब आपको इस रावण का आई बनाना होगा। इधर ऐसे करिए, फिर यहाँ पर आप करिएगा, इसको अंदर की तरफ कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंदर की तरफ कर देंगे और इसको आप बहुत ही सावधानीपूर्वक पेंसिल या मार्कर की हेल्प से जिससे भी आप बना रहे होंगे इसको डार्क कर दीजिएगा। डार्क करने के बाद अब आपको इस रावण का आईब्रो बनाना होगा। इधर ऐसे करिए, फिर यहाँ पे करिएगा, इसको आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर एक ओवल शेप बनाइएगा हल्का सा, 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद जस्ट बगल से ही आपको इसका नोज़ बनाना होगा। यहाँ पे ऐसे करिए हल्का सा हाफ सर्किल, इसको बाहर की तरफ करिएगा, नीचे की तरफ यहाँ पर आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हाफ सर्कल बनाते हुए इसको ऊपर की तरफ उठाइए, इधर से भी आप ऐसे करिएगा, एक बड़ी सी आपको मूंछ बनानी होगी। ये हो गया डबल दोस्तों, यहाँ पर डबल कर दीजिए, छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, इधर ऐसे ऊपर की तरफ करिए, यहाँ पर भी आप ऐसे डबल कर देंगे। तो ये रावण का लिप भी बन के तैयार हो गया। ये यहाँ से आपको इस रावण के ईयर बनाना होगा, ईयर पर आपको ईयर रिंग बनाना है, ये हो जाएगा। इधर भी आप ऐसे कर दीजिए, छोटा सा ओवल शेप बना के एक सर्किल बना दीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ से ऐसे ले जाना होगा, ऊपर की तरफ ले जाइए, इसको और आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर अंदर की तरफ यहाँ पर आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों एक बार छोटा सा और हाफ सर्किल बनाइएगा, इधर भी ऐसे बनाइए, फिर बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको भी आप ऐसे मिलाइएगा। सेम प्रोसेस से आपको एक बार फिर से रिपीट करना होगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा करिएगा। अब आप छोटा सा हाफ सर्किल बनाइए, फिर और ऊपर की तरफ ले जाइएगा, यहाँ से आपको ऐसे बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद जस्ट यहाँ से ही आपको इस रावण का हेयर बनाना होगा। हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ाइए, इधर से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। अब आपको इधर से हल्की सी लाइन ड्रॉ करना होगा, यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, एक वी लेटर लिखिएगा नीचे के साइड में, वी लेटर को आप डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद आगे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ से भी आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। अब आपको इस रावण का एक बड़ी सी सींग भी बनानी होगी। देखिए कैसे बनाना है, इधर ऐसे ले जाइए, यहाँ पे करिएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इसको ऐसे डबल कर देंगे। जैसे आपने इधर किया है इसी तरह इस साइड भी हम रिपीट कर देंगे। देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ से ऐसे ले जाइए, ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा, ये हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे डबल करते हुए अंदर की तरफ मिला दीजिएगा। दो डबल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, इस साइड भी आप ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से दशहरा पर यू वर्ड से रावण का चित्र बन के तैयार हो गया दोस्तों। चलिए अब हम इस रावण को आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं। Thank you.